तो हाय गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिडेक में। तो दोस्तों, आज हमारे पास है रियलमी 2, इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये फोन तो आप लोग को ऐसे बहुत सारे अनबॉक्सिंग यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सब फोन हम लोग को खरीद के ही करना पड़ता है अनबॉक्सिंग, क्योंकि कंपनी वाले हम लोग को फोन नहीं भेजते हैं। और तो यहाँ पे दोस्तों, मैं इस फोन को फर्स्ट सेल में ही ऑर्डर किया हूँ, रियलमी 2 को, और आज ही डिलीवर हुआ ये फोन मुझे। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक अनबॉक्सिंग दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में, और यहाँ पे इस फोन के बारे में बात कर लेंगे या कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को इसमें मिलता है 9000 के बजट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, सिंपल सा सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों इस फोन का कवर है, ऊपर का जो बॉक्स है उसका मैं फिजिकल ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को शायद अभी शो हो रहा होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ दोस्तों रियलमी, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों जो कि कैमरा वगैरह कुछ लिखा हुआ है, 13+2 मेगापिक्सल एंड फ्रंट 8 मेगापिक्सल वगैरह कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत। और यहाँ पे साइड में देखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे रियलमी 2 है, और इस साइड में रियलमी 2, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पीछे यहाँ पे मेड इन इंडिया क्लियरली लिखा हुआ है, और यहाँ पे साइड में अगर देखेंगे तो इधर कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलिए, इस बॉक्स को हम लोग सबसे पहले खोलते हैं और अंदर से देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग खोलते हैं, इस डब्बे को। तो ये रहा दोस्तों, जो सबसे पहले दोस्तों उसको ओपन करने के बाद ही जो हम लोग को मिलता है, तो वो है एक दोस्तों एक नीचे एक बॉक्स हम लोग को जो कि मिल जाता है, और हम लोग को पता ही है इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके अंदर क्या रहेगा। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रियलमी, उसका जो सोशल मीडिया वगैरह का साइट्स दिया हुआ है, और चलिए देखते हैं दोस्तों उसके अंदर से क्या निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि है, जो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, जो पेपर वर्क रहता है वही सब है जैसे हर नॉर्मल फोन में रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग को दोस्तों मिलता है एक प्रोटेक्टिव फिल्म केस मिलता है हम लोग को फोन का, जो कि अगर आप लोग देखेंगे उसका क्वालिटी वगैरह तो आप लोगों को एक बढ़िया ही क्वालिटी मिल जाता है, जो फ्री मिलता है वही बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले जो साइड में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे जो इसके बाद दोस्तों हम लोग को जो मिलता है डब्बे के अंदर से, ठीक है, वो है जो कि है हैंडसेट। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कि एक प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। तो चलिए इसको बाद में हम लोग देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या हम लोग को मिलता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि है दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है जो कि है एक ट्रैवल एडेप्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो कि इसका वोल्ट वगैरह मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि ये अभी है एक 5V 2A का चार्जर है, यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और अगर हम लोग इसकी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ है यहाँ पे, और ये देखिए जो कि है आप लोग दोस्तों जो कि मिलता है एक USB to Micro USB चार्जिंग पोर्ट। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जो कि बिल्कुल ही, ये देखिए एक USB to Micro USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों जो कि मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे डब्बे, तो डब्बा बिल्कुल ही खाली है, अंदर और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग का एक जो कि मिलना चाहिए था सिम इजेक्टर टूल, तो वो कहाँ पे है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर कहाँ पे है। तो ये देखिए जो कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये जो कि इसको खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर टूल, ठीक है। तो चलिए ये सबको हम लोग साइड में अभी रख देते हैं, और हम लोग जो मेन चीज है वो हैंडसेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत दोस्तों बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए जो इसका हैंडसेट है ये है, तो चलिए उसको मैं जो ऊपर का जो प्लास्टिक है उसको मैं उतार देता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए उसको, चलिए मैं हम लोग सबसे पहले उसको उतार देते हैं। ये देखिए, चलिए इसको साइड में भी रख देते हैं। और दोस्तों चलिए, इस फोन का हम लोग अगर फिजिकल ओवरव्यू की इसकी बात करते हैं, तो आप लोगों को जो इसको डिस्प्ले दोस्तों आप लोगों को 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का 6.2 इंचेस फुल HD रेजोल्यूशन वाला एक डिस्प्ले आप लोग को इसमें जो कि मिल जाता है। और यहाँ पे अगर इसकी हम लोग सेल्फी की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे आप लोग जो फोन का स्पीकर है और साइड में एक जो कि एक सेंसर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग का अभी शो हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके पीछे की बात करते हैं, तो इसका मेन लुक इसका फोन का ये देखिए, इसका बिल्कुल ही पीछे आप लोगों को एक डायमंड रेड कलर आप लोगों को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, और उसके बिल्कुल ही नीचे ये देखिए रियलमी लिखा हुआ है, और ऊपर में बिल्कुल ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को रियलमी 1 में नहीं मिला था, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी दोस्तों यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों डुअल सेटअप का कैमरा मिलता है, जो कि एक 13 MP + 2 MP का, और उसके बिल्कुल ही साइड में दोस्तों आप लोगों को जो कि मिलेगा LED फ्लैश।
और अगर इसके हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों एक पावर की दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इधर आप लोग को दो वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप लोग अभी शो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो कि सिम टूल्स दिया गया है, ठीक है, उसको चलिए हम लोग बाद में खोल के देख लेंगे कि इसके अंदर कौन सा सिम और कितना सिम कार्ड इसमें लगेगा। ये देखिए जो नीचे आप लोग को दोस्तों दिया गया है, ये देखिए जो 3.5 mm हेडफोन जेक प्रोवाइड किया गया है, उसके साइड ही बिल्कुल ही माइक्रोफोन, उसके बाद दोस्तों आप लोग USB टू microSD चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे दोस्तों फोन का मेन स्पीकर दिया गया है। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा नहीं है, और चलिए तो इसको सबसे पहले हम लोग फोन को बूट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए चलिए इसको स्टार्ट होने तक मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए जो कि है उसका जो सिम है, सिम ट्रे, इसमें क्या कुछ दिया जाएगा, मतलब क्या कुछ है इसके अंदर, मतलब कितना सिम कार्ड इसमें आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जो सिम इजेक्ट टूल से इसको मैं अभी ओपन करने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों यहां पे मैं इसको ओपन करूंगा और देखूंगा अंदर से क्या कुछ निकलता है। तो ये देखिए चलिए इसको खींचता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये देखिए जो वाओ, मतलब आप लोग दो सिम कार्ड्स और एक माइक्रोएसडी कार्ड बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये वाली चीज़, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले इसको अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। और चलिए इसको अंदर घुसाने के बाद दोस्तों इस फ़ोन को हम लोग सबसे पहले रिबूट कर लेंगे, जो सेटअप कर लेंगे इस फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा फ़ोन सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि जो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को इसमें एक नोच मिलता है, जिसका इंप्रेशन आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन इसका क्या है। तो दोस्तों ये बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस फ़ोन में आप लोगों को जो कि एक स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका बैटरी का बात करें तो आप लोग को 4230 mAh का बैटरी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों फेस अनलॉक का वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों अपना फिंगरप्रिंट लगाया हूँ, ये देखिए जो कितना फास्ट काम करता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए जस्ट टैप एंड ओपन, जस्ट टैप एंड अनलॉक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो मैं 2-3 बार यहाँ पे ट्राई किया हूँ, जस्ट आप लोग इसको टैप करते हैं वो ओपन हो जाता है, फर्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट इसका फर्स्ट है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन बार है कुछ इस टाइप का है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि सेटिंग्स में, ये देखिए जो इसका वर्जन वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो कि इसका एंड्रॉयड वर्जन में आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों को 8.1.0 का ओरियो इसमें आप लोगों को दोस्तों मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों को दोस्तों मैं पहले बताया क्वालकम स्नैपड्रैगन का इसमें आप लोगों को प्रोसेसर दोस्तों मिल जाता है। और ये बेसिकली दोस्तों 3GB और 32GB वाला वर्सन ये है, और आप लोग इसको देख सकते हैं जो कि इसका पेच लेवल है और जुलाई का पेच लेवल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक पिक्चर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो कि कैसा आता है, मैं फर्स्ट इंप्रेशन आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए चलिए इसको डब्बे को एक बार ले लेता हूँ, तो ये रहा और इसको क्लिक करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए मैं इसको आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, जो ये देखिए काफ़ी शार्प है पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं जो कि ये फर्स्ट मतलब इंस्टेंट क्लिक में आप लोगों को बहुत ही शार्प एक पिक्चर मिल जाता है। तो दोस्तों इसका मैं रिव्यू वगैरह लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार इसे लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और इसी टाइप का वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलता था नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।